पाकिस्तान ने ली राहत की सांस, आईएमएफ ने की अरबों की मदद। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पिछले कई महीनों से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आईएमएफ ने $3 बिलियन यानी कि 24,600 करोड़ का बेल आउट पैकेज अप्रूव कर दिया है। आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साथ मिलकर 1.2 बिलियन का तत्काल डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान को यूएई से भी $1 अरब की मदद मिली है। वहीं पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद साथी सऊदी अरब से भी $2 बिलियन की यूएसडी का डिपॉजिट मिला है। इस बेल आउट पैकेज के साथ पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बच गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर आईएमएफ के बेल आउट की जानकारी शेयर की। गौरतलब है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे पाकिस्तान के पास सिर्फ $4.4 अरब का फॉरेन एक्सचेंज ही बचा है। हालांकि आईएमएफ से $3 अरब और संयुक्त अरब अमीरात की $1 अरब की आर्थिक सहायता से ये देश अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार को $10 अरब तक के ले जाने में सफल होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई और दूसरे कारणों के कारण पाकिस्तान की हालत काफी खराब चल रही थी, लेकिन आईएमएफ की इस मदद से पाकिस्तान को राहत की सांस मिली है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।